नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर जनता ने अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। जी हां, आपको बताते चले, यूपी के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आगमन हुआ। सिराथू विधानसभा के सहारा स्थित मां शीतला अतिथिगृह पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी प्रदान की, साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में भी जनता को जानकारी दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की डबल इंडियन की सरकार है, विकास की तमाम योजनाएं कौशाम्बी सहित अन्य प्रदेशों में लाई जाएंगी। कोई भी गरीब सरकार की योजना को पाने से वंचित नहीं रहेगा। आजमगढ़ एवं रामपुर में भगवा लहराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवा तो लहराना ही था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में श्री अखिलेश यादव ने अपनी भाषा का प्रयोग किया था, इससे पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोग नाराज हुए थे कि एक व्यक्ति जो एक बार मुख्यमंत्री रहा हो, तीन बार लोकसभा का सदस्य रहा हो, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हो रहा हो और अगर उनके माध्यम से इस प्रकार की भाषा बोली जाए। रामपुर की सभी सभा में मोहम्मद आजम खान, मैं तो किसी भी विरोधी से विरोधी नेता के बारे में जब शब्दों का प्रयोग करता हूं तो आदरपूर्वक करता हूं, लेकिन यदि ऐसी भाषा का कोई प्रयोग करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो समर्थन आता हुआ दिख रहा है, तो मैं समझता हूं कि इनकी भाषा का प्रदेश की जनता का जवाब है और ना ही गुंडेगर्दी, ना तुष्टिकरण, ना जातिवाद। अब अगर चलेगा तो सिर्फ विकासवाद चलेगा। उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट अल्पसंख्यकों को वोट ना देने के सवाल पर कहा कि हार का कोई ना कोई बहाना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि सफा का सफाया अब शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के डबल इंजन की सरकार, भाजपा अपराधियों के आगे लाचार के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं। 400 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, सत्ता का खौफ चकनाचूर हो गया। 30 साल तक अब आने वाले सत्ता के आसपास दिखाई नहीं देंगे। लोकसभा की दृष्टि से आजमगढ़ और रामपुर को यह अपनी जागीर समझते थे, उनकी स्वयं की जागीर उनसे छिन गई है। तो जनता किस मूड में है, इसका संकेत सन 2024 75+ संकल्प निश्चित सफल होगा। लगातार अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं भाई, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जो अपने अपने पैतृक व्यापार है उस व्यापार की उन्नति के लिए भी योजना बना करके डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और प्रदेश की सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि आज यहां पर दुकान निर्माण का, कई लोग दुकान खुलवाता है, दुकान निर्माण के लिए भी व्यवस्था है। तो चेक देने की पूरी सूची बुलाता तो पूरा ये कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो जाता। मैंने कहा अलग से सबको बुला करके मिल करके देंगे। अभी प्रतीकात्मक कुछ यहां पर हमने देने का काम किया है। तो या जो दुकान निर्माण, इसमें एक लॉन्ड्री मतलब कपड़े की विशेष तौर से मशीनों से धुलाई की व्यवस्था भी की गई। अपना एक अच्छा कारोबार शुरू करना चाहे व्यक्ति तो उसके लिए रास्ते हैं। हमारे विशेष तौर से यहां प्रजापति भाई बहन आए, उनके लिए सूखा पड़ जाए तब भी खेत में कुछ ना कुछ ऐसा पैदावार हो जाती थी कि घर की भखारी जो है हर जाती थी, जो जरूरत होता था परिवार के खाने के लिए उसका पैदा हो जाता। हमें नदी हो चाहे नाला हो उसे खाली करना कराना है, इसके लिए आप सब लोग भी मानसिक तौर से तैयार रहिए। एक निर्देश में मंच से ही जरूर देता हूं, कोई माफिया ने कब्जा किया है तो आप बुलडोजर ले जाने में कोई संकोच मत करिए, लेकिन अगर किसी गरीब ने कोई वहां पर बनाया है तो उसके लिए पहले प्रबंध कर दीजिएगा, तब उसको खाली कराने का काम करिएगा। ये सरकार का स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो नदी के किनारे हो चाहे तालाबों के किनारे। अभी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में
इस साल भी 35 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अब 35 करोड़ वृक्षों का रोपण हो जाए, चाहे सूख जाए, चाहे आगे बढ़े, हमें आपको लगता है कि हमसे क्या मतलब है, ये तो सरकारी है।